नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका केरी लाइफ पर। 4 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ। फटाफट आप लोग भी आ जाइए, फटाफट चैनल सॉरी सेशन को शुरू करेंगे। एक बार आप लोग ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। चलिए, वीडियो को सब एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और केरी लाइफ को सब्सक्राइब कर लें वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। इवनिंग अमर, इंद्रजीत, हेलो विकास सेठी, विपिन कुमार, गुड इवनिंग। हेलो अर्चना, गुड इवनिंग। संदीप, गेट बंद कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल आप लोगों का बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट पेरियार्स बर्थ एनिवर्सरी एज सोशल जस्टिस डे। आपसे पूछा है कि किस राज्य ने पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश? किस सरकार ने यह फैसला लिया है कि भाई पेरियार की जो बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, जो उनके जन्मदिन की सालगिरह है, उस दिन जो है भाई आपका सोशल जस्टिस डे मनाया जाएगा, ये किस राज्य सरकार ने कहा है? चलिए, ये आपसे पूछा है, सवाल का जवाब आप लोग करेंगे। तमिलनाडु किसने लिखा है? सब तमिलनाडु ही लिख रहे हैं। शशांक, प्रशांत, कृष्णवीर, दिनेश ने कर्नाटक लिखा है, अर्चना ने लिखा है तमिलनाडु, अमन ने लिखा है तमिलनाडु, नीरज यादव। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु। देखो पेरियार का जन्म कब हुआ था आपका? 17 अगस्त 1879 को हुआ था। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी कब आती है इनकी? 17 अगस्त 1879 को। तो आपका 17 अगस्त को ही क्या है, सोशल जस्टिस डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये फैसला किसने लिया है आपका? राज्य सरकार ने। कौन सी राज्य सरकार ने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के सीएम कौन है भाई आपके? एमके स्टालिन है। ठीक है, दोनों ने ही जो है ये फैसला लिया है कि जो आपके पेरियार है, ठीक है, ईवी पेरियार जो है उनका जो है उनकी उनके जन्मदिन पर उनकी जो सालगिरह आती है उस पर क्या है भाई आपका, सोशल जस्टिस डे मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाएगा आपका? 17 तारीख। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बर्थ एनिवर्सरी पे ईवी रामस्वामी पेरियर की बर्थ एनिवर्सरी पे कब आती है? 17 सितंबर जो है आपका हर साल ये सोशल जस्टिस डे मनाया जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपका जो 13वां ब्रिक्स समिट है वो कौन होस्ट करेगा, मेजबानी कौन करेगा? आज था, आज से जो है आपका शुरू हो चुका है 13th ब्रिक्स समिट, आज ही था। ठीक है, जय बोलसोनारो, नरेंद्र मोदी, मिखेल मिशुस्तीन या फिर आपके मारियो द्रागी? आपसे पूछा है कि 13वां ब्रिक्स समिट जो है उसे होस्ट कौन कर रहा है? विकास सेठी, आज आपका बर्थडे है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू विकास सेठी। आप आगे बहुत बहुत कुछ अचीव करें अपनी लाइफ में, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारे विशेष आपको, और पार्टी तो मैं कैसे मांगू। चलिए एंजॉय करो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आज आके 4 बजे बर्थडे वाले दिन भी। खैर, राम लक्ष्मण ने लिखा है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। चलिए, और कौन है नरेंद्र मोदी वाले? बहुत सारे हैं। रागिनी ठाकुर ने लिखा है मोदी जी, शिवांगी ने लिखा है डी मारियो द्रागी। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है आपका 13वां एडिशन, जो आपका 13वां ब्रिक्स समिट है उसे होस्ट करेंगे। इससे पहले जो है आपका 12वां जो एडिशन था उसे किसने होस्ट किया था आपका? रशिया ने किया था। ठीक है, देखो 13वीं ब्रिक्स समिट है, इसी के साथ साथ जो है 15th एनिवर्सरी भी है आपकी ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स की 13वीं समिट भी है। अब आप जानते हो कि ब्रिक्स पहले ब्रिक था, ठीक है, पहले ये एस नहीं था। एस क्या है आपका? साउथ अफ्रीका। तो पहले सिर्फ ब्रिक था, ठीक है, पहले सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया और आपकी चाइना थी। फिर 2010 में जो है आपका साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो ये कितने नेशंस हो गए भाई आपके?
पांच नेशंस हो गए तो आपकी ब्रिक्स फॉर्म हो गई। ठीक है, तो 15वीं सालगिरह है आपकी ब्रिक्स की भी, और इसी के साथ साथ आपका 13वां एडिशन है जिसे होस्ट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन होस्ट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ जो है भारत तीसरी बार कर रहा है, 2012 और 2016 में जो है, पहली बार 2012 में, दूसरी बार 2016 में, और अब तीसरी बार कर रहा है आपका 2021 में होस्ट कर रहा है, यानी कि इंडिया कौन सी बार होस्ट कर रहा है? तीसरी बार होस्ट कर रहा है आपका ब्रिक्स का समिट। सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, थीम क्या है भाई? ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, ये आपकी थीम है इस साल के प्रोग्राम की। ठीक है, ब्रिक्स एट द रेट 15 जो लिखा है क्योंकि भाई आपकी क्या है, 15वीं सालगिरह है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। Who demonstrated a new brain-inspired artificial neuron? आपसे पूछा है। देखो, brain-inspired artificial neuron का demonstration किसने किया है? ठीक है, neurons आप सब लोग जानते हैं। देखो, ये क्या है artificial neuron? आपका जो हमारा human brain है उससे inspired है। ठीक है, उससे inspired है। आप लोग जानते हैं कि हमारे brain में क्या है, millions of billions of neurons है। ठीक है, neurons है। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स जो है आपस में किससे जुड़ी रहती है? सिनाप्सिस से आपकी जुड़ी रहती है। ठीक है, बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, तो वो जुड़ी कैसे रहती हैं? आपस में सिनाप्सिस से जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमें इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, चाहे हम कोई ठंडा टच करते हैं, कोई गर्म टच करते हैं, चोट लग जाती है तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है। अगर हमें कुछ गर्म लग रहा है तो हम फटाफट से हाथ हटा लेते हैं। तो ये मैसेज जो है किनकी वजह से रहता है? हमारा न्यूरॉन्स की वजह से। सिंपल, तो ये क्या है, बेसिकली आपका ह्यूमन ब्रेन इसी तरीके से फंक्शन करता है। तो इसी से इंस्पायर्ड होके जो है आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है। इसमें से किसने किया है? IIT हैदराबाद, कानपुर, दिल्ली या फिर आपका मद्रास। हैदराबाद किसने लिखा है? सुभाष चंद्रा ने लिखा है। 8 बजे पार्टी है, कहां है पार्टी विकास? उमेश ने लिखा है ए, हैदराबाद। चलिए, करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने जो है भई ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है उसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, रिसर्चर्स एट IIT दिल्ली, जिसे लेड किसने किया, जिसके लीडर कौन रहे? आपके प्रोफेसर मनन सूरी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं आपके। ठीक है, तो उनकी जो टीम है भाई IIT दिल्ली की, ठीक है, उन्होंने जो है इसे डेवलप किया है, इन्वेंटेड अ न्यू स्पाइकिंग न्यूरॉन मॉडल। ठीक है, न्यूरॉन मॉडल जो है वो डेवलप किया, जिसका नाम क्या दिया भाई? डेक्सैट। ठीक है, डेक्सैट की फुल फॉर्म क्या है? डबल एक्सपोनेंशियल अडैप्टिव थ्रेशोल्ड न्यूरॉन। ठीक है, डेवलप, अगर आपसे नाम भी पूछ लेते हैं तो आपको नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है? डेक्सैट। ठीक है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, इसे कम्प्लीटली बना भी लिया है। ठीक है, तो IIT दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये न्यूरॉन मॉडल, ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन किसने डेवलप किया है? आपका IIT दिल्ली ने किया है। सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड किसान स्टोर? किसान स्टोर किसने लॉन्च किया है? Amazon, Flipkart, OLX या फिर बोथ ए एंड बी? ये आपसे पूछा है, कोई बात नहीं सत्यम राजपूत। जयपुर राजस्थान में पार्टी है भाई विकास की, जितने भी बच्चे हैं सब पहुंच जाएंगे विकास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। उमेश, गुड इवनिंग। साथ साथ में वीडियो को शेयर करते रहो, देखो और लाइक करते रहो, और जो भी स्टूडेंट्स अभी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो यहाँ कर यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, Amazon किसने लिखा है? दीपक कुशवाहा ने लिखा है ऑप्शन ए, प्रथम ने लिखा है बोथ। अतुल गुड इवनिंग, Amazon कृष्णा ने लिखा है, बिल्कुल सही, सही जवाब क्या है आपका? Amazon। ठीक है, Amazon ने जो है इसे लॉन्च किया था। ठीक है, और अभी ये न्यूज में क्यों है बेसिकली आपका, क्योंकि हाल ही में 6 सितंबर को जो है भाई नरेंद्र सिंह तोमर ने
नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है इसे लॉन्च कर दिया है। अगर पूछा जाए कि भाई ऐसे ऑप्शंस अगर मिले कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस ई कॉमर्स वेबसाइट ने जो है इसे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर रहेगा अमेजोन। ठीक है, और अगर मिनिस्टर वाइज अगर आपसे पूछा जाता है तो इसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या है लॉन्च किया है, इस किसान स्टोर को, तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, बेसिकली क्या है कि फार्मर्स को मदद मिलेगी। ठीक है, अगर उन्हें कुछ भी खरीदना है, सीड्स खरीदने हैं, अपने फसलों के लिए दवाइयां खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है अपने लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, ठीक है, तो वो इजिली क्या है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और वो उनके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। देखो, ये है आपका किसान स्टोर, अमेजोन का इनिशिएटिव है। ठीक है, अमेजोन ने इसे लॉन्च किया है, मतलब ठीक है। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, अपनी फसलों को बचाने के लिए जो भी फर्टिलाइजर्स कुछ भी चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लांट न्यूट्रिशन के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो मिल जाएगा, सीड्स मिल जाएंगे आपको अलग अलग फसलों के, और फार्मिंग टूल्स मिल जाएंगे, कुछ भी आपको फार्मिंग के लिए टूल्स चाहिए, किसानों को चाहिए तो किसानों की मदद के लिए जो है ये ऑनलाइन स्टोर किसान स्टोर के नाम से भाई खोला गया है। ठीक है, जिससे क्या है फार्मर्स को मदद मिल सकेगी। ठीक है, फार्मर जो है इजीली अपना सामान मंगवा सकेंगे, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो आपसे पूछा है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, स्टारलिंक परियोजना क्या है? स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा है, लोन से रिलेटेड कोई योजना है, या फिर कुछ भी नहीं? आपसे पूछा है स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, ये आपको बताना है। शिवानी चौहान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनीष चौहान। शशांक ने लिखा है इंटरनेट, अक्षय पंत ने लिखा है लोन रिलेटेड स्कीम, अमन ने लिखा है बी सैटेलाइट रिलेटेड बेस्ड इंटरनेट सर्विस। चलिए करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी। देखो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है आपकी स्टारलिंक प्रोजेक्ट। देखो स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है आपका बेसिकली किसका है आपका, ये है आपका स्पेस एक्स कंपनी। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क। ठीक है, उनका ये प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, इस मकसद के साथ कि भाई आने वाले सालों में क्या है आपका 42,000 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाए अर्थ के लो ऑर्बिट में। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद क्या है कि सैटेलाइट की मदद से, ठीक है, सैटेलाइट की मदद से क्या है इंटरनेट सेवाएं दी जा सके ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, देखो स्टारलिंक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसएक्स कंपनी है इसकी, खुद एलन मस्क की है। ठीक, तो इसके लिए एलन मस्क के लिए क्या है आसान हो जाएगा, है ना, अगर सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है, रॉकेट्स लॉन्च करने हैं तो एलन मस्क के लिए जो है इजी हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी कंपनी से, अगर बाकी कंपनीज होंगी तो उन्हें क्या है इसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा कि सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है। ठीक है, तो एलन मस्क के लिए क्या है थोड़ा सा ये क्या है उनके लिए इजी है, क्योंकि ये क्या है लो कॉस्ट पे क्या है इसे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो एलन मस्क का ये जो है एम है कि 42,000 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जा सके। अगर मैं करेंट की बात करती हूँ, ठीक है, तो करंट की अगर मैं बात करूं तो आपकी 1,730 सैटेलाइट जो है लगभग आपकी लॉन्च की जा चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसकी मदद से जो है इंटरनेट भी कई जगहों पर प्रोवाइड आपका करवाया जा रहा है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट आपका क्या है समझ गए बेसिकली कि भाई सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च की जाएंगी अर्थ के ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में। ठीक है, और उससे क्या है लोगों को सीधा इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और ये सैटेलाइट आपस में लेजर से कनेक्टेड रहेंगी, सिंपल है। ठीक, चलिए, तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है आपका करेक्ट आंसर है, और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। चलिए, ओन कौन करते हैं? ऑफ कोर्स एलन मस्क, और उनकी ही एरोस्पेस कंपनी से चलता है स्पेसएक्स, उन्हीं के तहत जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और वही सेम चीज जो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट का मकसद क्या है बेसिकली कि इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सके
पूरी दुनिया में, ठीक है, किसकी मदद से? हजारों सैटेलाइट्स की मदद से, ठीक है। तो ये जो 42,000 सैटेलाइट्स का टारगेट है, आप सोचो इसमें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आने वाले 10-15 साल जो है आपके लग जाएंगे इतनी सैटेलाइट जो है भेजने में, ठीक। चलिए देखो इस ये एक सिर्फ आपका डायग्राम है, ठीक है, कि भाई अर्थ के बाहर अगर सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी तो ये जो आपकी अर्थ है पूरा नक्शा बदल जाएगा बाहर से अगर आप देखोगे तो, क्योंकि बाहर पूरी क्या है, सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स आपकी भर जाएंगी। ये जो आपको दिख रहा है ये आपस में लेजर से कनेक्टेड रहेंगे, एक सैटेलाइट यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, ठीक है, ये आपस में क्या है, लेजर से कनेक्टेड रहेंगे, और इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू जो है इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में आपसे पूछा है T+1 सेटलमेंट साइकिल जो है, ठीक है, किस संस्थान ने इंट्रोड्यूस की है, किस संस्थान ने स्टॉक के लिए T+1 निपटान चक्र की शुरुआत की है? सेबी, एडीबी, एपिडा या फिर इफको? चलिए सवाल का जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णवी ने लिखा है ऑप्शन ए से बी। सेबी, बहुत सारे बच्चे सत्यम, विकास, अमन सेबी लिख रहे हैं, सुभाष चंद्रा ने भी सेबी लिखा है। चलिए एडीबी किसने लिखा है? अनिल ने। T+1 सेटलमेंट जो है, आप सेटलमेंट साइकिल जो है वो किसने, किस संस्थान ने जो है शुरुआत की है? सेबी ने, एडीबी, एपिडा, इफको, ये आपको बताना है। चलिए बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब क्या है आपका? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो सेबी की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में है, आप लोग जानते हैं मुंबई में हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। 1992 में जो है आपका ये फॉर्म हुआ है, सिंपल। और इसके चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी हैं। ठीक है, तो T+1 सेटलमेंट साइकिल जो है स्टॉक के लिए सेबी ने जो है लॉन्च किया है। बेसिकली T+1 सेटलमेंट आपका क्या कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई हुई है आपकी, ठीक है, उसके एक दिन के अंदर अंदर जो है आपको सारा पैसा जो है भाई वापस करना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन अगर आपका हो गया है, ठीक है, तो एक दिन के अंदर अंदर जो है आपको वो जो है वापस करना है, उसे क्लियर करना है, विल हैव टू बी क्लियर विद इन 1 डे ऑफ द एक्चुअल ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो सेबी ने जो है ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर द मार्केट्स। T+1 का मतलब क्या है कि जो आपकी सेटलमेंट्स है उन्हें क्या है एक ही दिन के अंदर अंदर क्लियर करना है आपको, ठीक है। आपका जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन करा लिया उसके एक दिन के अंदर अंदर जो सेटलमेंट्स आपको उन्हें क्लियर करना है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसका सही जवाब क्या है? T+1 किसने लॉन्च किया है? आपका सेबी ने किया है। अगले पर आ जाओ। पेंटानल वेटलैंड जो आपका हाल ही में खबरों में है, आपसे पूछा है कौन सी कंट्री में है, सिंपल। यस प्रशांत, अजय त्यागी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे सभी। आपसे पूछा है पेंटानल वेटलैंड है कहां पर, किस देश में आपका ये स्थित है? ब्राजील, यूएसए, चाइना या फिर आपका इंडिया? ब्राजील, यूएसए, विवेक ने लिखा है और संदीप ने लिखा है ब्राजील। चलिए सवाल का आप लोग जवाब करेंगे। ब्राजील, चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब क्या है आपका? आपका ब्राजील में है, ठीक है। ब्राजील में आपका 80% आता है ये वेटलैंड, ठीक है आपका। और देखो ब्राजील में आपका 18% आता है पेंटानल वेटलैंड, ठीक है। तो आपका कहाँ लोकेटेड है? सिंपल, ब्राजील में लोकेटेड है, आपको इतना पता होना चाहिए। और 200
हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर करता है आपका पेंटानेल वेटलैंड, ठीक है, सबसे बड़ा वेटलैंड है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ब्राजील, ठीक है, ये है आपका पेंटानेल वेटलैंड, सिंपल है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो आपका पैराग्वे और आपका आपका ब्राजील में 80% है, पैराग्वे में है और है आपका बोलिविया में, ठीक है। इन तीन नेशंस में जो है आपको ये वेटलैंड मिलेगा और सबसे मैक्सिमम आपको 80% आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा? ब्राजील में। तो सबसे तो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? ब्राजील, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है आपका? ब्राजील में आपका ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आपसे पूछा है वतन प्रेम योजना जो है हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर आपका गुजरात, किस राज्य ने जो है इसे शुरू किया है? वतन प्रेम योजना किसने शुरुआत की है ये आपको बताना है। चलिए हरियाणा, किसने लिखा है? शशांक ने। गुजरात लिखा है विकास ने। गुजरात, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल सही रोहित पांचाल, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, गुजरात, ठीक है। वतन प्रेम योजना जो है आपका, देखो वतन प्रेम योजना का पहले नाम क्या था? मादर ए वतन, ठीक है, मादर ए वतन नाम था, लेकिन उसके बाद जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि भाई कहा जाने लगा कि ये तो पर्शियन नाम है, ठीक है, कि भाई पर्शियन लैंग्वेज से नाम बनाया गया है, तो फिर इसका नाम बदल के क्या है? वतन प्रेम योजना कर दिया गया, ठीक है। वतन प्रेम योजना के तहत जो क्या है, जो आपके गैर निवासी गुजराती हैं, ठीक है, उनके लिए है बेसिकली, ठीक है, जो आपके गैर निवासी गुजराती हैं उनका 1000 करोड़ की लागत से जो है क्या है, इसके तहत जो है कई परियोजनाएं जो है, कई स्कीम्स जो है वो शुरू की जाएंगी, ठीक है, अकेली वन प्रेम योजना के तहत, ठीक है, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड क्या है आपकी स्कीम्स जो है वो शुरू की जाएंगी, ठीक है। गैर निवासी गुजरातियों के साथ मिलकर जो है आपका ये स्कीम जो है शुरू की जाएगी, इसके तहत मतलब बहुत सारी स्कीम्स शुरू की जाएंगी और लेआउट कितना रहेगा आपका? 1000 करोड़ का, ठीक। तो ये जो आपकी योजना है वो कब लॉन्च की गई थी? 7 अगस्त 2021 को जो है लॉन्च की गई थी, ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, एक मीट हुई है इनकी गवर्निंग बॉडी की, कि वतन प्रेम योजना की जो गवर्निंग बॉडी है, जो भी लोग शामिल है, ठीक है, उनके बीच जो है एक मीटिंग हुई है 4 सितंबर 2021 को, ठीक है। मीटिंग आपकी हुई है कहाँ? गांधीनगर में, ठीक है, और उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे आपके चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि वतन प्रेम योजना आपकी लॉन्च हुई है 7 अगस्त को, ठीक है, और अभी हाल ही में एक मीट हुई है जिसे चेयर किसने किया है, जिसके चेयरमैन कौन रहे हैं? विजय रूपानी आपके चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, आप लोग जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके देखो आपका इंग्लिश स्पेशल का ये बैच है, ठीक है, 15 सितंबर से जो है ये बैच आपका आ रहा है, मंडे वेंसडे थर्सडे क्लासेस रहेंगी 10 से 11:30 बजे से क्लासेस रहेंगे और आपको नीटू मैम पढ़ाएंगे, तो आप लोग चाहें तो ये बैच परचेज कर सकते हैं, सिंपल। आगे आ जाओ, कॉम्बो फुल कोर्स है आपका, इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस मिलेगा, जो आपका 13 सितंबर से शुरू होगा, मंडे टू सैटरडे इसकी क्लासेस आपकी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल है आपसे पूछा है कि 2 साल के बच्चों को, जवाब नहीं है, बेसिकली पूछा है कि 2 साल के बच्चों को जो है कोविड वैक्सीन का डोज देने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी है,
ठीक है भाई, 2 साल के बच्चों को भी जो है इस कंट्री ने क्या है कोविड वैक्सीन का डोज दिया है। तो आपसे पूछा है कि कौन सी पहली कंट्री बनी है, क्यूबा, पोलैंड, यूएसए या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। 2 साल के बच्चों को जो है भाई वहां पर डोज दिया जा रहा है कोविड का। हां जी दिलीप परमार, क्या परेशानी है? सलीम खान कह रहे रिकॉर्डेड है क्लास। अच्छा सलीम, तुम्हें ज्यादा पता होगा, हद है। पोलैंड लिखा है सुभाष चंद्रा ने। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग छेनू। क्यूबा, चलिए बिल्कुल सही, सही जवाब क्या है आपका? क्यूबा। ठीक है, क्यूबा की कैपिटल क्या है आपकी? हवाना। ठीक है, तो क्यूबा जो है पहली कंट्री बनी है भाई जो अपने देश के जो है 2 साल के बच्चों को क्या है कोविड का डोज दे रहे हैं। पहला नेशन बना है, मनने को शुरुआत की भाई इन्होंने 2 से 11 एज ग्रुप के बच्चों को जो है भाई जाब देना शुरू किया। ठीक है, यानी कि डोज देना शुरू किया, टीका लगवाना शुरू किया। बेसिकली शुरू हुआ आपका सीएन फ्यूगोस में। ठीक है, और क्यूबा जो है आपका पहला नेशन बन गया है भाई, क्योंकि देखो मार्च 2020 से जो है स्कूल्स बंद हैं, तो अब जो है स्कूल्स खोले जाएंगे वहां पर भी। तो भाई कहना ये है वहां की सरकार का कि 2 से 11 जो एज ग्रुप है उन्हें भी वैक्सीन लगनी चाहिए, ताकि थर्ड ताकि जो है नेक्स्ट वेव ना आए, ऑफकोर्स आगे प्रिवेंशन के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आपसे पूछा है ब्राइट स्टार आपकी जो एक्सरसाइज है, ब्राइट स्टार आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें कितने नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे? हां जी कहिए ना कमल किशोर, गुड इवनिंग विवेक ठाकुर, नहीं गुड इवनिंग सोमवीर। यस विवेक ठाकुर बिल्कुल सही, अभी तक और उस वैक्सीन को WHO ने अप्रूव नहीं किया है। ठीक है, वो वैक्सीन जो है बच्चों को लग चुकी है। 21 किसने लिखा है? कृष्णवीर चौधरी ने 21। चलिए अब सब 21 लिख रहे हैं। 18 विवेक ने लिखा है, और कौन है 18 वाले? कुलवीर। चलिए सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन सी 21। ठीक है, 21 नेशंस जो है देखो आपके पार्टिसिपेट करेंगे। देखो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हर साल में, हर 2 साल में एक बार होती है, एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, हर 2 साल में जो है आपकी ब्राइट स्टार एक्सरसाइज होती है। 1980 में जो है ये शुरू हुई थी आपकी ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, इजिप्ट और यूएस के बीच में जो है शुरू हुई थी, इजिप्ट और आपका यूएस के बीच में जो है ये एक्सरसाइज जो है शुरू हुई थी। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज हर 2 साल में होती है, 1980 में शुरू हुई इजिप्ट और यूएस के बीच। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है कितने नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? 21 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जिसमें से 16 जो नेशंस हैं आपके वो ऑब्जर्वर्स रहेंगे, जो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और बाकी जो नेशंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, ग्रीस, जॉर्डन, इटली, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, यूके और आपका यूएई, ये लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे और आपके बाकी ऑब्जर्वर्स रहेंगे। और इन नेशंस की फोर्सेस जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। नाम पूरा आपको याद होना चाहिए, ब्राइट स्टार 18। ठीक है, 2021 में हो रहा है, पहले होना था लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। ठीक है, कोविड की वजह से आपकी एक्सरसाइज क्या है पोस्टपोन हो गई। ठीक है, अब हो रही है, इसमें कितने नेशंस जा रहे हैं भाई आपके आपके 21, 8 सितंबर से लेकर आपका 20 सितंबर तक की एक्सरसाइज आपकी चलने वाली है। ठीक है, सिंपल है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल ठीक, देखो अलेक्जेंड्रिया के आपके मोहम्मद नागवी मिलिट्री बेस पर आपकी होने वाली है। अलेक्जेंड्रिया जो है आपकी, अगर अलेक्जेंड्रिया की मैं बात करती हूँ तो आपकी थर्ड लार्जेस्ट सिटी है इजिप्ट की। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट सिटी है आपकी इजिप्ट की। ठीक है, तो वहां के मिलिट्री बेस में जो है ये एक्सरसाइज आपकी हो शुरू हो चुकी है, 8 से लेकर आपकी 20 सितंबर तक ये चलने वाली है। ठीक, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे आ जाएंगे। आपसे पूछा है द पायलट प्रोजेक्ट टू रिप्लेस डीजल विद एलएनजी इन डंपर्स हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली बाय हुम। देखो हाल ही में डंपरों में डीजल जो है, डीजल की जगह जो है एलएनजी जो है वो भरा जाएगा, ठीक है। डीजल नहीं, डीजल को रिप्लेस किया जाएगा किससे, एलएनजी से, ठीक है। ये किसने शुरुआत किया है, इसकी शुरुआत किसने की है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल या फिर आपका ओएनजीसी, ये आपसे पूछा है। छीनू मैं बोल बोल के थक गई हूं, आप एक बार ट्राई कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र ने लिखा है ऑप्शन ए बीपीसीएल। हाँ जी, अतुल ने लिखा है ऑप्शन ए बीपीसीएल। चलिए राजनाथ सिंह सिर्फ स्माइल दे रहे हैं, क्यों राजनाथ, सवाल का जवाब करो सीधा। अतुल ने लिखा है ए, अब तक एक भी सही आंसर नहीं है। आई डोंट नो, नहीं विकास सेठी, बीपीसीएल नहीं। बताओ भाई प्रदीप सिंह क्या कहना चाहते हो, बोलो। हाँ उमेश लिखा है ई, ए सॉरी भाई, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है भाई ये डिसाइड किया है कि आपका डीजल से जो है डीजल को रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ, आपका रिप्लेस किया जाएगा आपका एलएनजी के साथ, ठीक है। और सीआईएल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं आपके, कोलकाता में है, ठीक है। इसके एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रमोद अग्रवाल, अग्रवाल है, ठीक है। ठीक, तो डीजल को जो है एलएनजी से बदला जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक तो कॉस्ट मैनेज हो जाएगी, है ना, डीजल आपको पता ही है कि कीमतें कहाँ जा रही है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली एलएनजी, क्या है आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। ये किया क्यों जा रहा है, ताकि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे कम किया जाए, टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, है ना। सिंपल, आपका एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप लिया जा रहा है, और साथ ही में क्या है, ये आपका लो कॉस्ट पर कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। सिंपली अगर मैं पुट करूं उसे तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, है ना। तो अगर इन में जो है, अगर जो है आपका एलएनजी जाता है तो आप इसमें डीजल भी डलवा सकते हैं और आप इसमें एलएनजी भी डलवा सकते हैं, तो दोनों के लिए क्या है ये, क्या रह जाएगा, मतलब दोनों इस पर डल सकते हैं, दोनों के नेचर को अडेप्ट कर पाएगा, तो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा आपका। सीआईएल ने इसे जो है शुरू किया है, सीआईएल ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ, गेल के साथ और बीईएमएल के साथ मिलकर जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया है सीआईएल ने, मेन आपसे पूछे तो सीआईएल ने शुरू किया है, ठीक है, ताकि एलएनजी किट्स जो है उनको जो है फिट किया जा सके डंपर्स में, ठीक। और ऐसा होगा अगर, तो आप डीजल भी डलवा पाएंगे और आप एलएनजी भी डलवा पाएंगे, सिंपल। चलिए, और सिंपल यही है, एलएनजी जो है डीजल का यूज जो है वो कम कर देगा बाय अबाउट 30-40%, और आपका फ्यूल कॉस्ट भी उससे क्या है बच जाएगी, 15% आपकी फ्यूल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आपका क्या है, कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा, तो डबल फायदा हो रहा है, ठीक है। सिंपल है आपका आंसर सी आई एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल प्ले द रोल ऑफ मेंटोर इन T20 वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन। T20 वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में मेंटोर की भूमिका कौन निभाएंगे, सचिन तेंदुलकर, इसका जवाब तो हर किसी को पता होगा, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी या फिर आपके वीवीएस लक्ष्मण। फटाफट, T20 वर्ल्ड कप में जो है मेंटोर कौन रहेंगे, एमएस धोनी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ठीक जवाब क्या है आपका, महेंद्र सिंह धोनी। सिंपल, महेंद्र सिंह धोनी आप लोग जानते हैं अगस्त 2020 में रिटायर हो गए थे, ठीक है। तो अब एज अ मेंटोर जो है ज्वाइन करेंगे T20 की टीम को, सॉरी T20 वर्ल्ड कप में जो है ज्वाइन करेंगे इंडियन टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि T20 वर्ल्ड कप होगा कहाँ, यूएई, ओमान, कतार, कतर या फिर दोनों, ओमान और यूएई दोनों में होगा, ये आपसे पूछा है, इसका जवाब आप लोग करेंगे।
एमएस धोनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आपसे पूछा है कि ये होगा कहाँ, आपका T20 वर्ल्ड कप जहां धोनी एज अ मेंटर जाएंगे, आपसे पूछा है कि खेला कहाँ जाएगा, होस्टिंग कंट्रीज कौन सी है। बोदर, अच्छा बोथ। चलिए फटाफट आंसर करिए। डी सत्यम राजपूत, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी विकास सेठी, बिल्कुल सही। बोथ ए एंड बी, यूएई और आपका ओमान दोनों में होगा आपका T20 वर्ल्ड कप। 17 अक्टूबर से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है आपका, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज वर्ल्ड मैक्सिमम लिथियम रिजर्व फाउंड, विश्व का सर्वाधिक लिथियम रिजर्व जो है वो कहाँ पाया जाता है, चाइना, इंडिया, जापान या फिर अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा लिथियम कहाँ पाया जाता है, ये आपका सवाल है, ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। आपसे पूछा है कि मैक्सिमम लिथियम रिजर्व जो है कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक लिथियम कहाँ पाया जाता है, चाइना, कपिल लिख रहे हैं, अफगानिस्तान, अनुनास में लिखा है, अफगानिस्तान, कमल ने लिखा है, प्रशांत लिख रहे हैं अफगानिस्तान, चाइना लिखा है, बहुत सारे बच्चे चाइना लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे चाइना लिख रहे हैं। चलिए सवाल आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स कहाँ मिलती हैं आपकी, तो सही जवाब है आपका अफगानिस्तान। नियरली 80% आपके जो लिथियम रिजर्व्स हैं, जो भंडार है, वो आपके कहाँ है भाई, अफगानिस्तान में 80% जो है सबसे ज्यादा आपका मिलता है, ठीक है, अफगानिस्तान में मिलता है। तो आपका सही जवाब रहेगा अफगानिस्तान। अब ये न्यूज में क्यों है, ठीक है, बेसिकली देखो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आपके लिथियम रिजर्व्स हैं, ठीक है, तो इसपे क्या है, चाइना की नजर पड़ गई है, ठीक है। चाइना चाहता है कि यहाँ से जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो क्या है, ऑक्यूपाई करे, बेसिकली फंड्स दे, और वहां से क्या है, लिथियम आपका आता रहे। अब लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम आपका क्या है, आपको मोबाइल्स में मिल जाएगा, है ना, बैटरीज वगैरह में, मोबाइल की बैटरीज वगैरह में, और आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ठीक है, उनमें आपको लिथियम जो है उसका यूज दिखेगा, ठीक है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज बहुत ज्यादा है। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना वैसे ही आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, वैसे ही आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है, मोबाइल बहुत ज्यादा बनाता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है आपका, ओप्पो, वीवो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और लिथियम क्या है आपका, कहाँ यूज होता है, मोबाइल बैटरीज में, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में आपका यूज होता है बहुत ज्यादा। चाइना क्या है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, तो इससे क्या है, चाइना फायदा उठाना चाहता है। तो बेसिकली ये अजम्पशंस है, ठीक। तो ये जो है आपको, तो बेसिकली इसीलिए जो है थोड़ा न्यूज में है कि भाई अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स है। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, कि पंजशीर के बारे में भी हमने पढ़ा था, और अब क्या है आपका, लिथियम रिजर्व्स, ठीक है। तो सही जवाब क्या है, अफगानिस्तान। अगले सवाल पर चले आओ, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री नॉर्थ अमेरिका हैज हैड अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, भाई विनाशकारी भूकंप किस देश में आया है, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। LNG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आपसे पूछा है कि डिवास्टेटिंग विनाशकारी भूकंप जो है कहाँ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेक्सिको किसे लिखा है, शशांक ने लिखा है, और अरुणास ने मेक्सिको लिखा है, कुलवी ने मेक्सिको लिखा है, संदीप ने मेक्सिको लिखा है। चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन सी मैक्सिको आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मैक्सिको में जो है आपका ये अर्थक्वेक आया है, कितने मैग्नीट्यूड का, 7.1 मैग्नीट्यूड का आपका ये अर्थक्वेक आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, विच कंट्री हैज बैंड वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ऑल स्पोर्टिंग इवेंट्स। आपसे पूछा है कि किस देश ने सभी खेल आयोजनों में महिलाओं के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सा देश है, पाकिस्तान, इराक, ईरान या फिर अफगानिस्तान। चलिए
किसने बैन लगा दिया है भाई, प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान, इराक, ईरान या फिर आपका अफगानिस्तान? चलिए फटाफट आप लोग सवाल का जवाब करेंगे। अफगानिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में जो है अहमदुल्ला वासिक जो है, अहमदुल्ला वासिक जो है भाई आपके जो डिप्टी हेड है अफगानिस्तान के, ठीक है, उन्होंने कहा है भाई कि जो महिलाएं हैं वो भाग नहीं ले सकती स्पोर्टिंग इवेंट्स में, जो खेल आयोजन होते हैं, जो भी आपके खेल के इवेंट्स हैं उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इनका कहना है कि महिलाओं के लिए जो है स्पोर्ट्स जरूरी नहीं है। ठीक है, इनका कहना है कि स्पोर्ट्स जो है इनके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, और इनका कहना ये भी है कि भाई जो मीडिया है ना, आजकल मीडिया हर तरफ है ना, आजकल हर किसी के पास फोन है, सब कुछ है, इजीली एक्सेस है, तो अगर ये खेलेंगी तो ये जो है पूरी दुनिया इनको देखेगी, तो हम नहीं चाहते कि भाई महिलाओं को जो है देखा जाए। ठीक, और ये ऐसा सोचते हैं कि भाई महिलाएं जो है स्पोर्ट्स उनको खेलने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए जो है उनके पार्टिसिपेट करने पर, उनके भाग लेने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है अफगानिस्तान ने। और आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी किसका कब्जा चल रहा है? ठीक है, तो सही जवाब है आपका अफगानिस्तान। वुमेन फ्रॉम अफगानिस्तान कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट एज स्पोर्टिंग एक्टिविटीज वुड एक्सपोज देयर बॉडीज। ठीक है, उनका कहना है कि उससे क्या है, उनके उनकी बॉडीज दिखेंगी तो इसलिए वो नहीं खेल सकती हैं। तालिबान ने ये कहा है 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रिसेंटली एमएसपी वॉज फिक्स्ड फॉर द अपकमिंग राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स आप सब जानते हैं विंटर सीजन में आपकी उगाई जाती है। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स जो है आपके, उनके लिए जो है आपका एमएसपी फिक्स हो गया है। आपसे पूछा है कि वीट जो आपका गेहूं है प्रति क्विंटल उसकी कितनी कीमत डिसाइड की गई है, एमएसपी कितना डिसाइड किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको जवाब देना है। हां जी, आएगा शशांक बहुत जल्दी, प्रोबेबली संडे के आसपास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत जल्दी आ रही है अफगानिस्तान पर वीडियो। सी किसने लिखा है? देव रूपा ने लिखा है ऑप्शन सी, 2000। 2K लिखा है सुशांत ने, आई डोंट नो लिखा है किसने। चलिए ऑप्शन बी, काफी बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन बी 2015। ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है आपका कितना, एमएसपी कितना डिसाइड किया गया है वीट के लिए आपका, प्रति क्विंटल अगर बात की जाए तो कितना डिसाइड किया गया है आपका, 2015। ठीक है, तो सरकार ने जो है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो एमएसपी रहेगा आपका गेहूं का, ठीक है, वो कितना रहेगा 2015। अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल, तो पिछले साल था आपका 1975, यानी 2% हाइक जो है आपका दिया गया है इस बार। ठीक है, इस बार जो है आपका 2% हाइक दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और आप लोग जानते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर पिछले रेट से अगर हम कंपेयर करें, 1975 था, इस साल जो है 2% आपका हाइक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला एंटीबायोटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आपका तमिलनाडु, कहाँ जो है इसका स्थापन किया जाएगा, ये आपसे पूछा है। हाँ जी आलोक कुमार, चलिए सवाल का जवाब करिए। गुड इवनिंग एमी, इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यूपी लिखा है अंकुर ने,
हिमाचल लिखा है कपिल सैनी ने। चलिए बिल्कुल सही जवाब है कपिल, ऑप्शन बी आपका हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखो भारत का पहला एंटीबायोटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पार्क जो है वो कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, हिमाचल में किया जाएगा। देखो इस पार्क में जो है आपके अलग अलग तरह के प्लांट्स रहने वाले हैं, ठीक है, तो इन प्लांट्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं आपको, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे इस पार्क के थ्रू, ठीक है। तो ये पार्क जो है ये इसका ऐलान क्या है, अनाउंसमेंट किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है आप जानते हैं, जयराम ठाकुर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है पहला फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पार्क जो है आपका आने वाला है। अगले सवाल पर अब हम लोग चलेंगे, विच स्टेट्स गवर्नर हैज रिजाइंड रिसेंटली, इसमें से किस राज्य के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपका महाराष्ट्र, ये आपको बताना है। चलिए चलिए इस सवाल का जवाब आपको करना है कि किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपका महाराष्ट्र, इस सवाल का आपको जवाब देना है। जी बिल्कुल जयराम ठाकुर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक जवाब है, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ठीक है। कौन थी गवर्नर भाई, बेबी रानी मौर्या, ठीक है, बेबी रानी मौर्या आपकी गवर्नर थी, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन, अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो भेज दिया है प्रेसिडेंट को, रामनाथ कोविंद को। अभी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा डिक्लाइन होगा अभी पता नहीं है, लेकिन रिजाइन जो है कर दिया है बेबी रानी मौर्या ने, ठीक है। 3 साल तक का उनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। और साथ साथ में जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि इनसे पहले जो है मार्गरेट अल्वा जो है वो उत्तराखंड की पहली विमेन गवर्नर थी, फर्स्ट विमेन गवर्नर थी, ठीक है। और बेबी रानी मौर्या आपकी सेकेंड विमेन गवर्नर थी, ठीक है, सेकेंड विमेन गवर्नर थी आपकी, ठीक है। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में रिजाइन दिया है, कहाँ की गवर्नर है ये आपकी, थी मतलब आपकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। बेबी रानी मौर्या ने जो है कब जो है कार्य जो है वो संभाला था, बेसिकली 2018, अगस्त 2018 में जो है कार्यभार संभाला था, ठीक है। कृष्णकांत कौल के बाद जो है आपकी बेबी रानी मौर्या गवर्नर बनी थी, कृष्णकांत कौल आपके 2015 में बने थे और फिर 2018 में आपकी बेबी रानी मौर्या बनी थी, और 2021 में जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये है आपका आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है कि हाल ही में पंचजन्य जो है वो न्यूज में था, ये क्या है, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका, पॉडकास्ट या फिर आपका रेडियो शो, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें से क्या है आपका पंचजन्य, क्या है पंचजन्य आपका क्या है, सोमी रिसेंटली पंचजन्य चर्चा में थी, ये क्या है। सत्यम राजपूत बिल्कुल ठीक। पॉडकास्ट है विकास ने लिखा है, सॉरी विवेक ने लिखा है, पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट पॉडकास्ट चलिए करेक्ट आंसर है आपका वीकली मैगजीन है आपकी पंचजन्य, ठीक है। देखो हाल ही में न्यूज में क्यों है, देखो ये आपकी आरएसएस से संबंधित है, ठीक है। भारत की सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जो आपकी इंफोसिस है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं इस मैगजीन में, ठीक है। इस मैगजीन में जो है उसके ऊपर इंफोसिस जो आपकी कंपनी आप जानते हैं उसके ऊपर कुछ कॉमेंट्स थे, ठीक है, जिसको लेकर ये आपकी न्यूज में थी, ठीक है। फर्स्ट जो आपका पहली मैगजीन जो आपकी इशू की गई थी वो कब की गई थी, 14 जनवरी 1948 में की गई थी, ठीक है। और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी, ठीक है, वो भी इसके एडिटर रह चुके हैं, फॉर्मर एडिटर रह चुके हैं। फॉर्मर एडिटर रह चुके हैं,
ठीक है, तो इंफोसिस के ऊपर जो है भाई, देखो आपका ये आरएसएस से जुड़ी ये आपकी वीकली मैगजीन है, ठीक है, और पंचजन्य ने जो है हाल ही में क्या है उनका जो हाल ही में जो एडिशन आया है, जो वीकली मैगजीन आई है, उसमें उन्होंने इंफोसिस के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं, ठीक है। उनका कहना है कि वो इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही में उन्हें नक्सल, लेफ्टिस्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर भी उन्हें एक्यूज किया है, जिसकी वजह से क्या है ये आपका न्यूज में है, छुट्टी बस हो ही गई सिंपल। तो पंचजन्य जो है आपका वीकली मैगजीन है, ठीक है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, हाउएवर आरएसएस ने कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर और हेड इन एन इंटरिम गवर्नमेंट दैट हैज बीन फॉर्मड इन अफगानिस्तान, ठीक है, That has been, ठीक है, जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, जो आपकी अंतरिम संस्कार सॉरी सरकार बनी है, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री या प्रमुख कौन बने हैं आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, मुल्ला अरी बरादर या फिर मुल्ला रिजवान। इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, यहाँ नहीं देंगे, कॉमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहा। चलिए नेक्स्ट, आप लोग देखो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो केडी लाइव ऐप से। कल हम लोग मिलेंगे टुमारो 4 बजे, सिंपल आपका जो रोज करंट अफेयर्स होता है उसके साथ हम लोग कल मिलेंगे 4 बजे। और जिन भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए है वो पीडीएफ केडी लाइव एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा हो तो लाइक करते हुए जाना, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे अब हम लोग 4 बजे। हाँ जी, जल्दी कर दिया है मैंने, हो गई है छुट्टी, ठीक। चलिए कल मिलेंगे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे, बाय।